everyone, welcome or welcome back to my channel Sataakshi Vagir. सब टाइटल से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है. तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा एट होम. सैलून में हेयर स्पा कराते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है. आज मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हेयर स्पा शेयर करने वाली हूँ जो कि 20 रुपीज़ में एटलीस्ट हो जाएगा आपका हेयर स्पा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगेगा. आप घर बैठे कर सकते हैं एंड आपके हेयर इस तरीके से स्मूथ शाइनियर हो जाएंगे. अगर आपको फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है ना तो आप इस हेयर स्पा को ज़रूर करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करिएगा. तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके साथ ना हेयर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज शेयर करते रहती हूँ. तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले मैं आपके साथ बिफोर का क्लिप शेयर कर रही हूँ. अभी आप मेरे हेयर को देख सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा रफ लग रहे थे, ड्राई लग रहे थे एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टैंगल्स हो जा रहा था. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो आपको नीड है हेयर स्पा का. तो आज हम घर पे हेयर स्पा करेंगे, इसे ठीक करेंगे, इसे स्मूथ बनाएंगे, स्ट्रेट बनाएंगे. तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? कॉम्बिंग. मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आप अगर ऑयलिंग करते हैं, हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, हेयर स्पा कराते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्बिंग. आपको अपने बालों से सारे टैंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लेना चाहिए जिससे कि आप कुछ भी चीज़ का एप्लीकेशन करें, ऑयलिंग का, हेयर मास्क का, वो काफ़ी अच्छे से अप्लाई होगा. एंड अगर आपको नहीं पता कि करेक्ट वे कौन सा है कॉम्बिंग का जिससे कि आप अपने हेयर फॉल को थोड़ा कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल रहा होगा तो वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं. क्योंकि कॉम्बिंग के बाद कई लोगों के काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं क्योंकि वो करेक्ट वे से नहीं करते. ओके, एंड इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ऑयलिंग. यस, तो आपको क्या करना है, आप कोई सा भी अपना फेवरेट ऑयल ले लीजिए. यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया जो आप रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं. उसे हल्का सा आपको कुनकुना करना है, हॉट नहीं करना, हल्का सा कुनकुना करना है. मैंने हल्का सा कुनकुना कर लिया था एंड उसके बाद मैं अपने स्कैल्प पे अप्लाई करूँ. आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना, आपको अपनी हेयर लेंथ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है. तो आप अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करिए. एंड मैं डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से मैंने लुक वार्म किया था तो उससे मैंने शो नहीं किया क्योंकि वो सबको पता रहता है. एंड इसके बाद आपको 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज करना है, टैंगल्स नहीं आने चाहिए बाल में, हल्के हाथों से मसाज करिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑयल अंदर जाएगा एंड अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा. अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारा हेयर स्पा मास्क. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको 3 टेबल स्पून, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कर्ड, तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा. मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ. मैं यहाँ पे पैकेट वाला यूज़ करूँ बट आप ट्राई करिए कि आप घर का यूज़ करिए, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है एंड कर्ड हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है, इसलिए हम कर्ड यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड इंग्रेडिएंट है कंडीशनर. यस, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये है कंडीशनर. आप कोई सा भी अपना फेवरेट कंडीशनर ले सकते हैं. मुझे डव का कंडीशनर पसंद है तो मैं डव का कंडीशनर ले रही हूँ. तो ये छोटा वाला जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर साथ में आता है ना, इसलिए यहाँ पे मैं 3 पैकेट यूज़ कर रही हूँ. अगर आपको जो सिंगल वाला कंडीशनर वाला आता है ना तो आप 1.5 और 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 पैकेट. तो यहाँ पे मैंने छोटा वही वाला 3 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर लिया है. कंडीशनर हमारे हेयर को स्मूथ बनाता है एंड जो हम हेयर स्पा कराते हैं उसमें भी थोड़े बहुत तो केमिकल्स होते ही हैं ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है. तो आपको सिर्फ इसमें कर्ड लगा है एंड आपको कंडीशनर यूज़ करना है, उसके बाद अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए. मतलब जो दही के लम्स रहते हैं ना वो नहीं होने चाहिए. थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल. यहाँ पे मैं 1 फुल टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ. ऑलिव ऑयल मेनली हमारे हेयर को स्मूदन बनाने के लिए, स्ट्रेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट आप ट्राई करिए कि आप ऑलिव ऑयल अपने हेयर केयर रूटीन पर इंक्लूड करें, उसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया एंड उसके बाद अच्छे से मैं मिक्स करूँ. आप हेयर स्पा का क्रीम देखिए एंड इसे देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा, कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको. बस इसे हमने घर पर प्रिपेयर किया सिर्फ 20 रुपीज़ में, उससे भी कम लगेगा अगर आपकी हेयर की लेंथ थोड़ी कम है तो. सो हमारा हेयर स्पा क्रीम रेडी हो चुका है. अब इसे यूज़ कैसे करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन कर लीजिए अपने हेयर का जिससे कि ईजी होगा. तो आपको इसे ड्राई हेयर पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ना ही ऑयली हेयर पे अप्लाई करना है. आप समझ रहे हैं ना, ड्राई हेयर पे भी अप्लाई नहीं करना, ऑयली हेयर पे भी अप्लाई नहीं करना. इसीलिए हमने ऑयल सिर्फ हमने स्कैल्प पे अप्लाई किया है, हेयर लेंथ पे अप्लाई नहीं किया. तो आपको इसे वेट हेयर पे अप्लाई करना है. तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे बालों को वेट कर सकते हैं, उसके बाद टॉवल ड्राई हल्का
नॉर्मल सा कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे तरह कर सकते हैं। मैंने स्प्रे बॉटल में पानी ले लिया था एंड अपने बालों पे अच्छे से स्प्रे कर लिया एंड कॉम कर लिया, जिससे कि वो थोड़े वेट हो गए हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से छोटा छोटा सेक्शन आपको लेना है एंड कॉम हल्का कॉम करते हुए ना उसे आपको अच्छे से अप्लाई करना। आप देख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हेयर पे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हेयर लेके, तो अच्छे से हर हेयर पे कोट नहीं होगा, अच्छे से अप्लाई नहीं होगा, अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा। यार मुझे खुद से थोड़ी डिफिकल्टी होती, इसलिए मैंने सामने टेबल पर रखा था एंड बार बार वहाँ पर से मैं हेयर स्पा क्रीम को ले रही थी। तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। आपको ड्राई हेयर पे एंड ऑयली हेयर पे आप अप्लाई मत करिए एंड इसे आपको अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें कंडीशनर अप्लाई किया। आप प्लेन कर्ड अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, बट इसे अच्छे से अपने हेयर लाइन पे अप्लाई करूँ, क्योंकि स्कैल्प पे हमने ऑयलिंग की हुई थी। सो आपको इसी तरीके से अप्लाई करते जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, बट अगर आप किसी की हेल्प लेंगे ना तो ईजी हो जाएगा एंड ये जल्दी अप्लाई हो जाएगा। हेयर स्पा में बहुत सारे स्टेप रहते हैं, कई लोग होम रेमेडीज़ बताते हैं, तो बट ये एक सिंपल स्टेप है और कुछ आपको नहीं करना है। तो मैंने वन साइड पर अप्लाई कर लिया है। इसी तरीके से ना फिर क्या करती हूँ मैं, एट द एंड में फिर से अप्लाई कर लेती हूँ हल्का हल्का। तो इस तरीके से मैंने इस साइड अप्लाई किया, उसी तरीके से मैं इस साइड भी अप्लाई करके आपसे मिलती हूँ। तो मैंने दोनों साइड अप्लाई कर लिया। इसके बाद आपको अब क्या करना है, अपने बालों का बन बना लीजिए। ओके, तो आपको इसे 45 मिनट्स के लिए रखना है। यस, 45 मिनट्स के लिए, बट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसे अप्लाई करके अपना कुछ भी घर का काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सैलून में जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा एंड कई लोग होम रेमेडीज़ बनाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करी, जो हल्के हल्के ऊपर साइड में मैं बस अप्लाई करी, क्योंकि थोड़े थोड़े में बेबी हेयर्स निकल आते हैं इसलिए। उसके बाद पॉलीथीन की हेल्प से आप सिक्योर कर लीजिए, जिससे कि मैसी ना हो, आपके ड्रेस में ज़्यादा लगे नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी स्टेप, आपको सिर्फ इसी स्टेप को फॉलो करना है। 45 मिनट्स के बाद आपको शैम्पू एंड कंडीशनर की हेल्प से अपने हेयर को जैसे वॉश करते हो ना, उसी तरीके से आपको वॉश करना है और कुछ भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी हेयर स्पा है एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट यूज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट आपको अच्छे से अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि फ्रिजीनेस दूर हो चुके हैं, टैंगल्स कम होंगे, आपके हेयर ब्रेकेज उस कारण कम हो जाते हैं यार, एंड स्मूथनेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ मिलती है एंड आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। ट्राई करिए एंड कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। सो होप सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद और आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज़ इस वीडियो को लीजिए लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से मैं इफेक्टिव रेमेडीज आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी से साक्षी वगैरह से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।